अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर जैनब और आज मेरा टॉपिक है कि फर्स्ट नाइट जो शादी की पहली रात है उसमें ख़वातीन को जो ब्लीडिंग होती है वो क्यों होती है, कुछ को कम होती है, कुछ को बहुत ज़्यादा होती है, इतनी कि उन्हें एमरजेंसी जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो इसकी वजूहत क्या है, इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूंगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग और क्वाइटल टीयर, ये क्या होता है। फर्स्ट नाइट जब मैरिज होती है बहुत सारी जो बच्चियाँ या लड़कियाँ होती हैं वो मेंटली रिलैक्स नहीं होती और मेंटल रिलैक्सेशन ना होने की वजह से उनकी बॉडी अलाउ नहीं करती और डीप पेनिट्रेशन पे उनको टीयर आ जाता है। इसे हम कहते हैं पोस्ट क्वाइटल टीयर। टीयर का मतलब ये है कि उस जगह पे चीरा आ जाता है और उससे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और उस ब्लीडिंग को अगर टाइमली कंट्रोल ना किया जाए तो खातून जो है वो बेहोश हो सकती है, लड़की बेहोश हो सकती है और उस अक्सर जो है ना वो एमरजेंसी में लैंड करती है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग के साथ, उसकी जान भी खतरे में जा सकती है। तो इस चीज़ को नॉर्मल नहीं लेना चाहिए कि ये तो नॉर्मल है, शादी की पहली रात तो ब्लीडिंग होती है कोई बात नहीं। अगर नॉर्मल थोड़ा बहुत जो स्पॉट लगना या दाग लगना नॉर्मल है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो इसका मतलब है तो कि ये खतरे की बात है। इसकी वजूहात में सबसे पहली बात ये है कि मेल और फीमेल दोनों का मेंटल जो है वो मैचिंग होना ज़रूरी है कि क्या लड़की उस काम के लिए तैयार है या नहीं है। अगर वो मेंटली रिलैक्स नहीं है, इमोशनली और फिजिकली वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही तो उसको टाइम देना चाहिए। और अक्सर ऐसा होता है कि मेल जो होते हैं उनको ये लगता है कि शायद हमारी मर्दानगी का सबूत यही है कि जब तक हम फिजिकल रिलेशनशिप नहीं करेंगे तो जो है ना फर्स्ट नाइट कंप्लीट नहीं होगी, शादी पूरी नहीं होगी। ऐसा हरगिज नहीं है, कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि जब तक आप अपने जो है फिजिकल रिलेशनशिप नहीं कायम करेंगे, मर्दानगी का सबूत नहीं देंगे तो आपकी शादी कंप्लीट नहीं होगी। आप आहिस्ता आहिस्ता भी चल सकते हैं, अपने पार्टनर को साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि अक्सर कुछ मेल ऐसे होते हैं जिन्होंने ड्रग्स ली हुई होती हैं और वो कुछ एक्स्ट्रा जो है वो अपनी पावर शो करने के चक्कर में फीमेल की हालत खराब कर देते हैं और उसको ब्लीडिंग इतनी होती है कि वो इमरजेंसी में आती है और इमरजेंसी में हमें उस पेशेंट को ऑपरेशन करके वो उस जगह पे स्टिचेस लगाने पड़ते हैं क्योंकि वहां पे चीरा पड़ चुका होता है, जिसे हम क्वाइटल टीयर कहते हैं। एक तो इसकी ये रीजन है। दूसरी इसकी ये रीजन हो सकती है कि कुछ खवातीन के अंदर छोटा सा पोलिप होता है, पोलिप एक छोटी सी ग्रोथ होती है जो उस जगह से आ रही होती है और जैसे ही उसको कोई चीज टच करती है तो वो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जो कि पहले नहीं कभी नहीं हुई होती। तो उस पोलिप की वजह से, जिसे हम सर्वाइकल पोलिप कहते हैं, उसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है और अक्सर जब ये हस्बैंड और वाइफ आपस में मिलती हैं, जब जब वो मिलते हैं ब्लीडिंग हो सकती है थोड़ी या कम, ये डिपेंड करता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कुछ पेशेंट्स को कम होती है वो देर से रिपोर्ट करते हैं, कुछ पेशेंट को अचानक हैवी ब्लीडिंग होती है तो वो जल्दी रिपोर्ट करते हैं। तीसरी जो इसकी मेन रीजन है वो ये है कि फीमेल जो है उसमें वेजिनिस्मस होता है। वेजिनिस्मस क्या होता है कि उसकी सेंसिटिव होती है बॉडी, जैसे उसको कोई बाहर से चीज आके टच करती है तो वो सारी वो जो है ना कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, वो अकड़ जाती है और इतनी वो टाइट हो जाती है कि वो किसी चीज को अलाउ नहीं करती अंदर जाना और जिसकी वजह से वो जो है ना उसको टीयर आने का यानी कि चीरा पड़ने का खतरा हो जाता है। तो वेजिनिस्मस एक बीमारी है जिसका प्रॉपर इलाज होता है। अगर कोई खातून आपको ये लगे कि कोई लड़की बहुत ज्यादा रेजिस्ट कर रही है और वो मेंटली रिलैक्स हो ही नहीं पा रही और उसकी बॉडी जो है वो अलाउ नहीं कर रही तो जरूर अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। और ये जो ब्लीडिंग है अगर ये बहुत ज्यादा हो तो करना क्या चाहिए, बिना किसी झिझक के हिचकिचाहट के नहीं कल तो वलीमा है अब हम कैसे डॉक्टर के पास जाएं, बड़ी शर्म की बात है, खानदान के लोग बैठे, ऐसी कोई बात नहीं सोचनी चाहिए। फौरन इमरजेंसी में जो भी डॉक्टर गायनिक स्पेशली अवेलेबल है आप उनको चेकअप करवाएं, लोकल एग्जामिनेशन होता है उसमें वो बताते हैं। अगर थोड़ा सा हो प्रॉब्लम, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो या थोड़ा सा चीरा हो तो हम उसे सिंपल पैकिंग कर देते हैं, जिसे हम वजाइनल पैकिंग कहते हैं, एक गॉज की मदद से प्रेशर से ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वो बड़ा हो, जो टीयर है वो बड़ा हो, तो अंडर एनेस्थीसिया उसको स्टिचिंग की जाती है और उसके बाद एहतियात बताई जाती है कि मियां बीवी आपस में परहेज करें, एहतियात करें, फिजिकल रिलेशन ना करें कुछ अर्सा तक, जैसे कि 2 महीने या 2.5-3 माह तक, तो उससे ये क्या होता है क्योर हो जाता है। तो अगर आप टाइमली ट्रीटमेंट नहीं करते तो खातून की इतनी ब्लीडिंग हो सकती है कि उसकी डेथ हो सकती है, वो सर्वाइकल शॉक में जा सकती है और उसके बाद फिर ब्लड की ड्रिप्स लगना और फिर वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है। और अगर आप टाइमली डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो विद इन 3-4 आवर आपका मामला सेटल हो जाता है, ऑपरेट भी हो जाता है और पेशेंट को मैक्सिमम 6 आवर्स के अंदर अंदर छुट्टी मिल जाती है और वो इतनी स्टेबल हो जाती है कि वो अपना वलीमा अटेंड कर सकती है, वो अपनी बाकी अपनी रस्में पूरी कर सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस बात को समझा जाए, लोगों को अवेयर किया जाए कि ये प्रॉब्लम हो सकता है और इस प्रॉब्लम का हल क्या है। इसको अगर हम छुपाते रहेंगे तो हम मसले को कॉम्प्लिकेट कर देंगे, प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेट कर देंगे, इसलिए इसको अपने डॉक्टर से खुल के इस बात को बताना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आई होप सो आपको मेरे इस वीडियो से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे
कमेंट्स में लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको फायदा हुआ होगा इस वीडियो से, तो इसको शेयर करें जितने लोगों तक पहुंचा सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।